ब्रीदिंग एंड चेंज ऑफ गैसेस है ना, इसमें बेटा टुडे वी हैव ट्रैकिंग है ना। लास्ट लेक्चर में हमने बात की बेटा लैरिंज की, वॉइस वॉल्स की है ना। अब ट्रैकिया का रेस्ट, ट्रैकिया को बेटा सुनना ध्यान से है ना, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोल देते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप है ना। सुना आपने पहले भी, इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ट्रैकिया विंड पाइप भी बोल देते हैं बेटा। सुनना ध्यान से, लैरिंग साइड सुनना ध्यान से, यस लैरिंग्स लीड्स टू ट्रैकिया। लैरिंग्स किसको लीड करता है बेटा, ट्रैकिया को लीड करता है। ट्रैकिया जो है सुनना ध्यान से, इट इज सपोर्टेड बाय, ड्रॉ करते, इट इज सपोर्टेड बाय हाईलाइन कार्टिलेजेस, हाईलाइन कार्टिलेजेस विच आर, यस विच आर इनकम्प्लीट, यस इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, मतलब सी शेप्ड होती है बेटा, कैसी होती है सी शेप्ड होती है, विच आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियर, ड्रॉ करते हैं देखो यहाँ। सुनना ध्यान से, सपोज दिस इज वॉइस बॉक्स एंड वॉइस बॉक्स फर्दर लीड्स टू ट्रैकिया, दिस इज लैरिंज, अपर पार्ट इज बेटा लैरिंज, किसको लीड करता है बेटा, यस लैरिंज लीड कर रहा है इनटू ट्रैकिया, यस दिस इज ट्रैकिया। सुनना है, ट्रैकिया विंड पाइप है बेटा है ना, इट इज सपोर्टेड बाय हाईलाइन कार्टिलेजेस विच आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, आगे से तो रिंग कंप्लीट है बेटा, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट है। समझ आ रही है नहीं आ रही, तो लग रहा नहीं तो लग रहा, जैसे ये पाइप है ये ट्रैक ही है, सामने से तो क्या है बेटा कंप्लीट है, समझ आ रही है नहीं आ रही, सामने से तो क्या है बेटा ये कंप्लीट है ना, दिस रिंग इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पोस्टीरियर, समझ आ रही कि नहीं आ रही, सी शेप है, कैसी है बेटा ये सी शेप है, समझ आ रही नहीं आ रही, यदि होगा सपोर्टिव, मतलब ये जो रिंग्स होती है बेटा कार्टिलेजेस रिंग्स है, रिंग्स है बेटा, समझ आ रही नहीं आ रही, रिंग्स सपोर्टिव कैसे है ना, रिंग्स प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स, कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यस सारे क्वेश्चन रहता, समझा रही नहीं आ रही, ये ट्रैकिया पाइप कोलैप्स नहीं करती ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, कैसे देखो सुनना ध्यान से, सपोज ये पाइप है ना, इसके नीचे बैलून लगा है, पाइप की वॉल कोलैप्सिबल है, समझा रही है, सपोज ये पाइप है बेटा, इसकी वॉल क्या है कोलैप्सिबल वॉल, ये बैलून है, समझा रही कि नहीं आ रही, अगर मैं बैलून को क्या करूँगा एक्सपेंड कर दूँ ऐसे नीचे से खींचूँ ऐसे, तो क्या होगा यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, समझा रही कि नहीं आ रही, अगर मैं इसको खींचूंगा अंदर प्रेशर कम होगा क्या नहीं, समझा रही कि नहीं, बाहर से एयर अंदर खींचेगा ये इंस्पिरेशन होगी कि नहीं होगी, तो ये जो पाइप है ये अंदर से क्या हो जाएगी कोलैप्स होगी, नहीं समझा, फिजिक्स लगती है बेटा, सुन रहा फिर ध्यान से देखो, सपोज ये पाइप है, सुनना ध्यान से, पाइप की वॉल क्या है कोलैप्सिबल, अगर मैं इसको बैलून को ऐसे खींचूं तो क्या होगा, ये पाइप बंद नहीं हो जाएगी ऊपर से, समझा रही नहीं यारी, ये जो होगा पता लग रहा है, तो ये बंद ना हो पाइप ऊपर से कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए क्या लगी है बेटा कार्टिलेज की रिंग्स लगी, समझा रही है कि नहीं यारी, मैंने आपको बताया था ना ब्रीदिंग इंस्पिरेशन कैसी होती है, हम थ्रेसिक कैविटी का साइज बढ़ा देते हैं, थ्रेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दिया, समझा रही कि नहीं यारी, अंदर प्रेशर कम हो गया रिलेटिव टू आउटसाइड, तो एयर अंदर आ जाएगी, समझा रही कि नहीं यारी, पर क्या होगा अगर इस पाइप की वॉल कोलैप्सिबल है तो ये पाइप कोलैप्स कर देगी, अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो ऊपर से पाइप क्या हो जाएगी ऐसे,
कोलैप्स कर देगी। समझाने के लिए यानी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये पाइप कोलैप्स ना हो बेटा, समझाने के लिए यानी इस पाइप को सपोर्ट करने के लिए क्या लगी होती है, ये रिंग्स लगी होती है। समझाने के लिए यारी बिल्कुल आ गया समझ। दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग्स विच सपोर्ट ट्रैकिया, विच सपोर्ट ट्रैकिया, यस। समझाने के लिए यही इजी होगा। That is, it prevents its collapse during inspiration. Inspiration कब होगी? जब thoracic cavity का size बढ़ेगा, अंदर pressure कम होगा, तभी air अंदर आएगी। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी होगा। जब इसको expand किया बेटा, तो ये pipe ऊपर से बंद हो जाएगी ऐसे। पता लगना नहीं तो लग रहा, बंद ना हो, collapse ना हो, इसके लिए क्या लगेगा बेटा? Cartilage की rings लगेंगे। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी हो गया, सुनना ध्यान से। Wind pipe की बात करते हैं। Trachea, समझा रही नहीं आ रही? ट्रैकिया जो है इट इज इंटरनली, सुना ट्रैकिया जो है इट इज लाइंड विद, इट इज लाइंड विद, सुना ध्यान से, सूडो स्ट्रेटिफाइड, इट इज लाइंड विद सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमुलर, यस कॉल्यूमुलर सिलिएटेड एपिथीलियम। ट्रैकिया इज इंटरनली लाइंड विद, इंटरनली दिस पाइप इज इंटरनली लाइंड विद सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमुलर सिलिएटेड एपिथीलियम। क्या होती है ये, है ना? इतना बड़ा नाम क्या है, क्या ये? चलो आपने कॉल्यूमुलर सुना कि नहीं, कॉल्यूमुलर सिलिएटेड, ये तो पता है कि नहीं, कॉलम लाइक सेल्स और सिलिएटेड हो। सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मीन्स लेयर, सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमुलर सिलिएटेड एपिथीलियम है। ड्रॉ करते हैं, सुनना ध्यान से, ये ट्रैकिया। Suppose इसे track किया, internally it is lined with epithelium, draw करते हैं सुनना, समझा रही नहीं आ रही? साइड में भी draw समझाएगा साहब, दो मिनट लगेगा बस, वेट एंड वॉच। सिस्टम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा है ना, समझा देना। इसको हम बनाते हैं साइड, दिस इज व्हाट, दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमुलर सिलिएटेड एपिथेलियम। कैसे ड्रॉ कर रहे थे, कॉलमुलर बना दे पहले, कॉलम लाइक सेल्स, ये क्या होगी बेटा, कॉल्यूमुलर बेसमेंट, कौन सी एपिथीलियम होगी, ये कॉल्यूमुलर एपिथीलियम होगी कि नहीं? इट इज वन सेल थिक, थिकनेस कितनी है, एक सेल की थिकनेस है। समझा रही कि नहीं आ रही? यस, ये क्या होगी, कॉल्यूमुलर सिलिएटेड, सीलिया हो गया ऊपर, कॉल्यूमुलर सिलिएटेड होगी। अब देखो, नाउ दिस बिकम, नाउ दिस एपिथीलिया बिकम, यस
सूडो स्ट्रेटिफाइड है तो देखो वन सेल थिक पर अपीयर क्या हो रही है मल्टी लेयर्ड, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम है पर है क्या वन सेल थिक, थिकनेस इज वन सेल, समझा दी नहीं आ रही बेटा, थिकनेस है जो एपिथीलिया की दैट इज वन सेल थिक पर अपीयर क्या हो रही है मल्टी लेयर्ड, इट मींस मल्टी लेयर तो है नहीं पर लग रही है मल्टी लेयर, इट इज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड, इट मींस इट इज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड है क्या कॉलमनर सिलेटेड एपिथीलियम, समझा दी नहीं आ रही बेटा, दिस इज इसके बीच में क्या होते हैं बेटा म्यूकस सेल्स, सम ऑफ द कॉलमनर सेल्स सीक्रेट म्यूकस कॉल्ड म्यूकस सेल्स और गॉबलेट सेल्स, क्या बोल देते हैं बेटा गॉबलेट सेल्स बोल देते हैं, ये क्या सीक्रेट कर रहा ऊपर, यस ये क्या सीक्रेट कर रहा म्यूकस, क्या सीक्रेट कर रहा बेटा ये म्यूकस सीक्रेट कर रहा, समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा है बहुत ही सुनना है, ये क्या है सीलिया, सीलिया आर वाइब्रेट आई, सीलिया मूव करते हैं, समझा रही नहीं आ रही, म्यूकस इज केमिकली, केमिकली म्यूकस इज ग्लाइकोप्रोटीन, यस केमिकली दिस म्यूकस इज ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखना, समझा रही नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, सो ट्रैकिया जो है बेटा समझाई, इट इज लाइंड विद सूडो स्ट्रेटिफाइड फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन, है तो वन सेल थिक पर अपीयर क्या हो रही है स्ट्रेटिफाइड, है तो वन सेल थिक स्ट्रेटिफाइड तो है नहीं मल्टी लेयर तो है नहीं पर लग रही है क्या मल्टी लेयर, इट मींस सूडो स्ट्रेटिफाइड है, कौन सी है कॉलमनर एंड सिलेटेड है, समझा की बात बन गई, ये जो करी ये म्यूकस भी बना दिया कई सारे इसके गॉबलेट सेल्स बीच में, समझा दी कि नहीं आ रही, अब क्या हो रहा है बेटा, इट मींस ट्रैकिया की जो इनर लाइनिंग है इट इज कवर्ड बाय म्यूकस, यहां पे क्या है बेटा यस हियर, यस हियर व्हाट इज, यहां क्या है म्यूकस है, समझा दी कि नहीं आ रही, ट्रैकिया जो है ट्रैकिया की जो वॉल है बेटा वॉल इज इंटरनली, यहां पे क्या सीक्रेट हो रही है म्यूकस, यस क्या सीक्रेट हो रही है बेटा यहां पे म्यूकस सीक्रेट हो रही है, समझा दी कि नहीं आ रही, क्या बन रही है ये, यस म्यूकस बन रही है अंदर, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, ये म्यूकस क्या करती है, ये म्यूकस क्या करती है, इट ट्रैप, सुना ध्यान से, दिस म्यूकस ट्रैप्स, क्या ट्रैप करती है डस्ट एंड माइक्रोब्स, डस्ट एंड माइक्रोब्स विच एंटर्स अलोंग विद एयर, विच एंटर्स इन द ट्रैकिया, इन द ट्रैकिया यस अलोंग विद एयर, समझाने के लिए ये जो म्यूकस है बेटा ट्रैकिया के अंदर क्या लगती है म्यूकस है चिपचिपास, समझाने के लिए चिपचिपी लेयर है म्यूकस है अंदर, समझाने के लिए म्यूकस क्या करती है जो एयर अंदर जा रही है बेटा एयर में जो डस्ट है जो माइक्रोब्स है उसको ट्रैप कर लेती है पकड़ लेती है, समझाने के लिए अब क्या होगा सुनना ध्यान से, ये जो सीलिया है दे वाइब्रेट एंड पुश द म्यूकस हैवीली लोडेड विद माइक्रोब्स, इसमें म्यूकस में क्या ट्रैप हो गया, डस्ट ट्रैप होगी माइक्रोब्स ट्रैप हो गए, समझा रही कि नहीं, अब सीलिया क्या करते हैं सीलिया क्या करते हैं सीलिया पुश द म्यूकस हैवीली लोडेड विद डस्ट एंड माइक्रोब्स टुवर्ड्स द थ्रोट, ये सीलिया क्या करेंगे इस म्यूकस को पुश करते हैं अपवर्ड टुवर्ड्स द थ्रोट, समझा रही कि नहीं यानी ये म्यूकस को पुश करते हैं टुवर्ड्स द थ्रोट, हम क्या करते हैं फिर इसको स्पिट कर देते हैं, समझा रही कि नहीं यानी पता लग गया जो डस्ट है बेटा माइक्रोब्स है वो लंग्स तक नहीं पहुंचते हम उसको ट्रैकिया में ही पकड़ लेते हैं, ट्रैकिया में उसको पकड़ता कौन है, कौन पकड़ता है म्यूकस ट्रैप करती है, म्यूकस किसने बनाई सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम में क्या होते हैं गॉबलेट सेल्स वो म्यूकस बना रहे, म्यूकस केमिकली क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, समझाने के लिए यार सीलिया क्या करते हैं आप म्यूकस को अपवर्ड पुश करते हैं, समझाने के लिए यार म्यूकस विच वॉज हैवीली लोडेड विद माइक्रोब्स डस्ट कहां आ गई वो म्यूकस ऊपर आ गई थ्रोट में आ गई, थ्रोट से हम क्या करेंगे स्पिट कर दें, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बच्चे पढ़ते नहीं ज्यादा ट्रैकिया वो सीख करते हैं ट्रैकिया ठीक है विंड पाइप है लैरिंग्स किसको लीड करती है ट्रैकिया को, ट्रैकिया के अराउंड क्या होती है इनकम्प्लीट
कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, समझा रहे कि नहीं? रिंग्स क्या करती है? बोले बच्चे बोलेंगे सपोर्ट, कैसे सपोर्ट? इट प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब हम बेटा थोरैसिक कैविटी को एक्सपेंड करते हैं तो ऊपर वाली पाइप कोलैप्स ना हो, उसके लिए क्या लगी है? कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी है। समझा दिया कि नहीं आ रही? पता लग गया सपोर्ट करती है ट्रैकिया को ये रिंग्स। समझा रही नहीं आ रही? इजी हो गया। और इंटरनली दिस ट्रैकिया इज लाइंड विद द सुडो स्ट्रेटिफाइड कॉलोनियस रिलेटेड एपिथेलियम। समझा रही कि नहीं आ रही? इसमें म्यूकस बन रही है। म्यूकस क्या करती है? म्यूकस डस्ट को ट्रैप करती है, माइक्रोब्स को ट्रैप करती है, दैट एंटर्स अलोंग विद देयर। समझा रही कि नहीं? हम म्यूकस, हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स को, डस्ट को आगे नहीं जाने देते, लंग तक नहीं पहुंचने देते। समझा रही? इसको यहीं पे ट्रैप कर लेते। समझा रही कि नहीं आ रही? अब सीधे क्या करेंगे उस म्यूकस को विच वॉज लोडेड विद माइक्रोब्स और डस्ट, उसको अपवर्ड पुश करेंगे। म्यूकस कहाँ आ जाएगी? थ्रॉट में। थ्रॉट से हम क्या करेंगे? स्पिट कर देंगे। पता लग गया नहीं? तो लग गया। दिस इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिस इज अ ट्रैकिया। समझा जी बेटा कि नहीं आई? ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है, लैरिंग्स लीड्स इनटू ट्रैकिया। समझा दी कि नहीं आई? नाउ फर्दर इजी है बेटा, बहुत इजी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, अच्छी तरह से पढ़ना है। इजी हो गया? बहुत बार आता है सुडो स्ट्रेटिफाइड कोलोनियस रिलेटेड एपिथेलियम फाउंड इन कहां? एक मैंने बता दी जगह, ट्रैकिया, इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। पता लग रहा नहीं? तो लग रहा। म्यूकस क्या होती है पूछते हैं बार बार, केमिकली म्यूकस इज ग्लाइकोप्रोटीन। समझा नहीं है? नेक्स्ट क्या है बेटा सुनना, ट्रैकिया आगे जाके बाइफर्केट करती है। सुनना ध्यान से, बुक्स में ना गलत बना होता है, ध्यान से देखा। ट्रैकिया आगे जाके बाइफर्केट करती है, बहुत बच्चे गलत करते हैं। हमेशा गाली नहीं आ रही? फर्क लग रहा? नहीं लग रहा? ट्रैकिया फर्दर बाइफर्केट इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, दिस इज कॉल्ड, यस दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी क्या? प्राइमरी ब्रोंकस, सुना ही होगा लोअर क्लास में, है ना? दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस, अगेन सपोर्टेड बाय, यस अगेन सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, हाइलाइन कार्टिलेज। अगेन दिस प्राइमरी ब्रोंकस इज सपोर्टेड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। समझा नहीं बेटा? नहीं है? इजी हो गया? सुना ध्यान से, प्राइमरी ब्रोंकस है, यस लीड्स इनटू लंग्स। दरी नहीं है? यस। ड्रॉ करेंगे सारा अच्छी तरह से। समझा रही कि नहीं आ रही? तो लगना नहीं, तो लग रहा बेटा लंग्स को लीड कर रही है ये। सुनना ध्यान से, सो दिस इज राइट, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट लग रही है लाइट, हम ऐसे बना रहे हैं कि नहीं? दिस साइड इज, यस ये साइड क्या है बेटा? दिस साइड इज राइट, दिस इज लेफ्ट, तो ये क्या होगा? राइट लंग होगा। This is right primary bronchus. ये क्या होगी? Left lung है, left primary bronchus। समझा नहीं है? Right primary bronchus है, सुनना बड़ा ध्यान से। Right primary bronchus है, ये left primary bronchus है। Yes। Question करते हैं solve। This is left primary bronchus। सुनना ध्यान से, राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है ना? फर्क लग रहा थोड़ा सा, मैंने ऐसे नहीं बनाया, देखो ऐसे तो नहीं बनाया मैंने, स्कूल में मैडम ने ऐसे बना दिया होगा, ये होता ही नहीं ऐसे। स्कूल में कैसे बना देते हैं मैडम? ऐसे बना देते हैं, ऐसे ही बनाया होगा कि नहीं? ऐसे होता ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। दादी नहीं आ रही? राइट प्राइमरी ब्रोंकस ये ऐसे नहीं है,
दिस इज लाइक दिस, अब लग रहा नहीं लग रहा, राइट प्राइमरी ब्रोंकस आ जाए बेटा, इट इज स्लाइटली वर्टिकल, स्लाइटली वर्टिकल एंड शॉर्ट, ये छोटी होती है बेटा, समझा दे कि नहीं, वर्टिकल क्या है ये, स्लाइटली वर्टिकल है, समझा दे कि नहीं यारी। अब क्या होगा देखो, अगर मैं यहां से, ये तो होगी राइट, ये होगी लेफ्ट, अगर मैं यहां से एक स्टोन, एक बैक्टीरिया रिलीज करूं, क्या रिलीज कर दूं, एक सुनना ध्यान से, यहां से मैं एक बैक्टीरिया रिलीज करूं तो कहां जाएगा, कहां जाएगा, यस फर्स्ट रूट है ये, सेकंड रूट है, कौन से रूट में जाएगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है, जा तो कहीं भी सकता है पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है, फर्स्ट रूट से एंटर करेगा ये बैक्टीरिया, ये रूट कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, राइट लंग, समझा रही है कि नहीं यारी, इट मींस इन्फेक्शन इन राइट लंग इज मोर कॉमन देन दैट ऑफ लेफ्ट लंग, राइट लंग में बेटा इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, बिकॉज बिकॉज राइट प्राइमरी ब्रोंकस इज स्लाइटली वर्टिकल एंड शॉर्ट, छोटी होती है थोड़ी सी, ब्रॉड होती है थोड़ी और स्लाइटली वर्टिकल होती है, समझा रही है कि नहीं यारी, पता लग रहा है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब बच्चों को नहीं पता होता, सुनना ध्यान से, पता भी लगा नहीं पता लगा, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं यहाँ से एक बैक्टीरिया रिलीज करूँ कहाँ जाएगा, ज्यादा प्रॉबिलिटी कहाँ है, जा तो यहाँ भी सकता है पर ज्यादा प्रॉबिलिटी कहाँ जाएगा, फर्स्ट रूट में जाएगा, तो इन्फेक्शन इन राइट लंग, यस इन्फेक्शन, यस इन राइट लंग, यस इज मोर कॉमन, इज ऑलवेज मोर कॉमन, नॉट ऑलवेज, इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इज मोर कॉमन, यस देन लेफ्ट लंग, समझा रही है नहीं यारी, क्यों होता है, आगे आंसर तो नहीं आया, पता लग रहा है बेटा जी, समझा रही है कि नहीं यारी, ऑब्वियस अगर मैं यहाँ से एक बैक्टीरिया रिलीज कर दूँ, समझा रही कि नहीं यारी, ज्यादा चांसेस कहाँ है, कहाँ जाएगा वो, यहाँ आगे, यहाँ आगे, यहाँ आगे, कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा, यहाँ जाने के चांसेस कम है, यहाँ जाने के चांसेस ज्यादा, समझा रही कि नहीं, तो इस लंग में इन्फेक्शन के चांसेस बेटा ज्यादा रहते हैं, पता लग रहा है, हिमसे लग रहा, इजी होगा, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैकिया, दिस इज ऑल अबाउट ट्रैकिया, समझा रही है नहीं यारी, इजी होगा, आज इतना ही करेंगे बेटा, ठीक है, पहले आप इतना ही अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लंग्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटा लंग्स की बात करेंगे, ठीक है, तो आज इतना ही करो अच्छी तरह से, ठीक है, इतना ही कर रहा हूँ, चलो ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लें, ठीक हो गया, चलो ओके, थैंक यू।